हमीरपुर बस अड्डे के पास खोखा मार्केट आवंटन के मामले में कुछ खोखा धारक नाराज चले हुए हैं। खोखो के आवंटन को लेकर ऐतराज जता रहे दुकानदारों ने हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, जिस कारण हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला हुआ है। खोखा आवंटन को लेकर खोखा धारक बीरेंद्र मल्होत्रा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि खोखो का आवंटन गलत हुआ है, जिसे ठीक किया जाए। उन्होंने कहा कि खोखा धारक एक है, लेकिन कुछ लोग खोखा धारकों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। हमीरपुर बस अड्डे के पास खोखा मार्केट आवंटन के मामले में कुछ खोखा धारक नाराज चले हुए हैं। खोखो के आवंटन को लेकर ऐतराज जता रहे दुकानदारों ने हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है, जिसके कारण हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर मिला है। खोखा आवंटन को लेकर खोखा धारक बीरेंद्र मल्होत्रा पत्रकारों से बातचीत में कहा कि खोखो को आवंटन गलत हुआ है, जिसे ठीक किया जाए। उन्होंने कहा कि खोखा धारक एक है, लेकिन कुछ लोग खोखा धारकों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। बीरेंद्र मल्होत्रा ने कहा कि जिला प्रशासन ने दुकानों का गलत आवंटन किया है, क्योंकि पहले नंबर पर दुकान किसी और को मिलनी थी, लेकिन किसी और को दे दी गई। उन्होंने कहा कि आवंटन के समय भी विरोध जताया गया है, लेकिन कुछ नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि खोखा धारकों की रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि खोखा धारकों के प्रति गलत फहमी फैलाई जा रही है और जिला प्रशासन को भी गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खोखा धारक जिला प्रशासन के खिलाफ नहीं है, इसलिए प्रशासन भी खोखा धारकों का साथ दे। मल्होत्रा ने कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट से स्टे है और पूरा विश्वास है कि हाई कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगा और हाई कोर्ट जो भी निर्णय लेगा उसका हम स्वागत करेंगे। मुद्दा ये है कि हमारा हाई कोर्ट स्टे है, उसकी आज मैं आपको कॉपी में दे दूंगा। उसमें 35 पार्टियां बनी हैं, तो हमारा कोई सरकार से लड़ाई नहीं है, वो हमारी सिर्फ इसी के ऊपर जब हम लोग एग्री हो गए, पीछे जाने को एग्री हो गए, फिर ये आवंटन के ऊपर गड़बड़ को डाला हो गया। वो हमने लिखित रूप में डी साहब से रिक्वेस्ट की थी, मैं 10 बार डी साहब के पास गया, वही थोड़ी सी हमारे को नाराज गई कि उसको ठीक करें। तो हम लोग बिल्कुल अपने शहर सुंदर बनना चाहिए, हमीरपुर शहर हर नागरिक का फर्ज है कि सुंदर बने, बढ़िया बने। आज इस मुद्दे पर मैंने ये बुलाई है मीटिंग, इसलिए कि एक कहा अब सारे उसमें दोषी नहीं है, ये जो खबरें गलत खबरें मीडिया में या एक आधा जो समाचार पत्र है या एक आधा पत्रकार या उसका कोई अपना व्यक्तिगत रुचि है या क्या उसको लालच में जो आके गलत फहमियाँ भ्रांतियाँ डाल रहे हैं, आपस में लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि मैं जिला जिस मुद्दे से भी कहा था कि आप लोग तो चलो साल 6 महीने में ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन ये आपसे फूट पड़ गई ऐसी दुकानदारों की आपस में, ये नहीं होनी चाहिए। खोखा जूनियर सारी एक है, सब एक है, कोई इसमें कोई नहीं, अपनी भाई है, किसी के वो नहीं है। लेकिन वंटन जो गलत हुआ उसको ठीक करें, हम लोग सब कॉपरेट करने को तैयार है। मल्होत्रा साहब जब पत्रकार हैं, इसके बारे में मुझे ये कहना है, पूरे हिंदुस्तान में कोई कानून नहीं है पहले आओ पहले पाओ, किसी नोटिस में इन्होंने नहीं लिख कर भेजा कि पहले आओ पहले पाओ। चलो मान लो इनकी बात मान लेते हैं, आपका जैसे आपको उन्होंने बोला पहले आओ पहले पाओ, नंबर 1 2 3 कहाँ से शुरू होता है? एक दो तीन से शुरू होता है, ये